हरफन मौला किशोर कुमार की समाधि उनके जन्मदिन पर फूलों से महक उठी। यहां उनके चाहने वालों ने समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया। वहीं किशोरदा की इस समाधि पर स्मरांजलि देने के लिए प्रशंसकों का जमावड़ा लगा, जहां समाधि पर पुणे से जगदीश गायकवाड़, राजकोट द्वारकादास सोनी समेत अन्य कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र वर्मा, एसपी विवेक सिंह, डीएसपी संतोष कौल, एसए ममता खेड़े, जिला पंचायत सीईओ नंदा बहलावे कुशरे समेत अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जैसा कि सबको हम सबको विदित है, हम सब जानते ही हैं, हम सब यहीं के हैं। खंडवा नगरी तीन दादाओं के नाम से फेमस है, दादा धूनी जी, किशोर दादा और माखन दादा के नाम से फेमस है। उसी क्रम में आज हमने प्रख्यात सिंगर हरफन मौला सिंगर, जिनको हम मैं भी और सभी लोग बचपन सुनते आए हैं, स्वर्गीय श्री किशोर कुमार जी, उनके याद में यहाँ पे श्रद्धांजलि समाधि पे आज आयोजित हुई है। उसी कार्यक्रम में मैं आज सम्मिलित होने वाला हूँ। मैं सभी को इस अवसर की शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पूरे खंडवा नगरी के लोग इसमें अपने उसे छल वो लेते हैं। और मैं जैसा कल भी मैंने बोला था, मैं आज भी बोलता हूं कि आशा करता हूं कि हमारे खंडवा नगरी से, हमारे मध्य प्रदेश से और भी किशोर कुमार जैसे नामी गिरामी कलाकार यहाँ से उभरे और सभी अलग अलग फनों में अपना जलवा भी। मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी खंडवा में पैदा हुआ, तो ये एक तरह से मतलब ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिला, मगर किशोरदा की पुण्यतिथि हो या जन्मदिन का अवसर हो, यहाँ आने का अवसर मिलता है। अब साथ न गुजरेंगे लेकिन ये सदा दोहराएगी बरसों हरदम भूले हो अफसाने को, जीवन के सफर में रही मिलती है बिछड़ जान।